हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को जब फ़ोटो कोई अगर मान लीजिए लिया है आपने, या उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर से एडिट करना है, क्रॉप करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि किसी फ़ोटो का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें से आप अपना कोई फ़ोटो निकालना चाहते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं तो वीडियो से कोई ऐसा फ़ोटो निकाल के थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने पे क्या होता है, उस फोटो इमेज की या वीडियो से जो फ़ोटो आप लोगे उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको आप वीडियो से भी फ़ोटो निकाल लोगे और क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो में, और इमेज का भी, जो मान लीजिए कोई बड़ा इमेज है आप जिसमें हो और कैप्चर किया हुआ है दूर से, आप उसको करीब करके क्रॉप करके अगर करना चाहते हो तो वो भी आपको बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी में मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गैलरी में। ये जैसे आप देख रहे हैं गैलरी, ये फाइल मैनेजर है, फाइल में नहीं जाना है आपको, गैलरी में जाना है, क्योंकि वो ट्रिक गैलरी में ही काम करेगी और ये सबके फ़ोन में होता है। विदाउट किसी ऐप के आप ये काम कर सकते हो। बस ये क्या करना है, हमको गैलरी हम ओपन करते हैं। अब आप देखिए, जिस फ़ोटो को आप बनाना चाहें उसको आप बना सकते हैं। जैसे मुझे इसको करना है तो मैं इसको टच करता हूँ। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं इसमें थोड़ा दूर बैठा हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा जूम करके इस तरीके से अब मैं चाहता हूँ कितना चाहे, तो आप पहले जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर ये स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन को आपको काट वाट के क्रॉप करके एडिटिंग करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, बस ऐसे जूम कर देना है और जितना आपको चाहिए उतना, बस यहाँ पे ये देखिए आइकन आपको दिख गया होगा, बस इसी पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे अगर आप जूम नहीं करेंगे तो ये आइकन आपको नहीं दिखेगा। मान लीजिए जूम नहीं है तो देखिए यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप फोटो कैसे जूम करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए ये आइकन आ गया। तो अब क्या करना है, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं इतना कर देता हूँ, आपको लोगों को दिखाना ही है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक हो गया और यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो जो कैप्चर हुआ है यहाँ पर शो करने लगा। आप ये चाहें तो आप गैलरी में सेव है, अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये बैक किए और ये सबसे ऊपर आ गया होगा, सबसे ऊपर तो नहीं आया, किधर गया, इसके बगल में। हाँ, हो सकता है कभी कभी इसके बगल में भी आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऊपर आ जाता है सबसे ऊपर और कभी कभी इसके बगल में। तो ये वाला फ़ोटो था और ये देखिए इसी को मैंने क्रॉप किया है, यहाँ ये बगल में आ गया है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आप क्वालिटी, देखिए इसकी क्वालिटी में ज़रा भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। और इस फ़ोटो की मैं पहले दिखा देता हूँ कितनी MB की है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, डिटेल्स पर जाते हैं। अब ये फ़ोटो देखिए 13 MB की है और ये जो हम लोगों ने इसको क्रॉप करके बनाया है, ये देख लेते हैं कितनी MB की है। क्वालिटी तो सही ही है, MB से फिर क्या, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। देखिए ये भी लगभग 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 5 MB के करीब में आया है, इसका मतलब क्वालिटी भी अच्छा और MB भी बढ़िया है। और देखिए इतना भी जूम करने पर ये ज़्यादा फट नहीं रहा है। अब यही ट्रिक बस आपको वीडियो में भी करनी है, कोई भी वीडियो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, मैं लंबा नहीं बनाना चाहता दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से हमको कहीं से भी मान लीजिए फ़ोटो लेनी है, यहाँ से लेनी है, मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया इसको, और यहाँ पॉज करते ही आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर यहाँ पर आइकन आ गया, बस इसी आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, बस ये हो गया आपका फ़ोटो देखिए। और दोस्तों ये मिलेगा कहाँ आपको, इसको ये आपके जैसे पिछले बार फ़ोटो को क्लिक किया था वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका एक अलग फाइल बन जाता है। हम पूरा बैक करेंगे, इधर जाएंगे, अब आपको फाइल एक मिल जाएगा वीडियो कैप्चरिंग का। ये देखिए वीडियो कैप्चर्स, यहाँ पे देखिए ये वही है जो हमने अभी वीडियो से निकाला है। देखिए क्वालिटी भी अच्छी है और MB भी देख लेते हैं कितने MB की आई है, देखिए 2 MB की लगभग। तो देख लिया आपने, बस यही ट्रिक था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।